Good evening, everybody, and welcome to today's much awaited session on national integration, its challenges and solutions. And with us, we have a very special scholar today, Professor Sonia Roy. To take the session ahead, I would now request Professor Meena Malgandi to kindly take over. Over to you, ma'am. Thank you, Varsha. Namaskar. Good evening. मैं मीना मालखंडी एचओडी पॉलिटिकल साइंस गुरु नानक कॉलेज धनबाद. आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता सम्माननीय सोनिया राय जी का अभिनंदन तथा स्वागत करती हूँ. साथ ही हमारे ऑनलाइन जुड़े हमारे आदरणीय और सम्माननीय प्रिंसिपल सर का भी तहदिल से स्वागत करती हूँ. उन तमाम गणमान्य शिक्षक शिक्षिका और सभी छात्र छात्राओं का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. जैसा कि सर्वविदित है कि इस कोरोना काल ने जहाँ हम सबके बीच एक दूरी कायम कर दिया है, वही दूसरी तरफ इस दूरियों को कम करने का, एक दूसरे को देखने सुनने का एक नया माध्यम विकसित हुआ है. जी हाँ, मैं डिजिटल माध्यम की बात कर रही हूँ. आज इसी माध्यम से हमारे विभाग की ओर से तीसरा और अंतिम व्याख्यान माला आयोजित किया गया है. सोनिया मैडम को मंच सौंपने से पहले मैं बता दूं, मैडम राय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ताकि गवर्नमेंट कॉलेज वेस्ट बंगाल में. उन्होंने अपना ग्रेजुएशन लोरेटो कॉलेज कोलकाता से करने के बाद जेएनयू से मास्टर्स कंप्लीट की और उन्होंने स्पेशलाइजेशन जो की है वो इंटरनेशनल रिलेशन पर. उनका पीएचडी का एरिया भी इंटरनेशनल रिलेशन पर ही आधारित है. मैडम राय एक विजिटिंग स्कॉलर के रूप में इजराइल के बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में भी कार्यरत थी. मैडम, आपको अपने बीच पाकर हम सभी उत्साहित और उत्सुक हैं. अगला सेशन आपको सौंप रही हूँ और फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ. ओवर टू यू मैडम. थैंक यू मीना मैम. बहुत अच्छा लगा कि डिजिटल मीडियम के दौरान आपके साथ मुलाकात हो गई. मैं अपनी लेक्चर आज शुरू करने के पहले सबसे पहले बहुत मतलब नमस्ते और गुड आफ्टरनून कहना चाहती हूँ. बिफोर बिगनिंग माय लेक्चर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू द ऑनरेबल प्रिंसिपल सर डॉक्टर पी शेखर. सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी and a platform to speak on a topic of such immense importance. National integration, as we know as scholars of political science, is a very important topic for our discipline, and especially today it's a very timely topic, and it's an honor for me to be able to speak to all of you in this digital platform which sir has provided me with and Meena ma'am has very graciously provided me with. So I would like to say my sincere thanks to Meena ma'am and the Department of Political Science, Guru Nanak College, and also all the students present here. I hope that during, especially during such distressing times, that you are all safe at home. मेरी ये lecture, आज की lecture शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें आपको कह दूँ. Last 2 days से हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और आज सुबह से टेक्निकल फॉल्ट के कारण मेरे वाईफाई काम नहीं कर रही है, तो इसलिए मैं मोबाइल के थ्रू आप सबसे अभी कनेक्टेड हूँ. तो अगर कोई, मैं आशा करती हूँ कि कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज होनी नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो नेटवर्क अभी तक थैंकफुली ठीक है. पर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू जस्टिस टू द टॉपिक जो आपने हमें यहाँ बोलने का परमिशन दिया है. अब मैम, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि ना ब्रॉडबैंड बच जाएगी, और फिर मैं अपना पीपीटी शेयर करूँ, अगर आपको आप किसी में प्रॉब्लम नहीं. ओके मैम, कोई बात नहीं.
स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। Am I visible? Yes, ma'am. Thank you. आज का मेरा जो टॉपिक है जिस बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो है राष्ट्रीय एकीकरण या फिर नेशनल इंटीग्रेशन। अब पहले ये टॉपिक में स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें पहले हमें बता देनी चाहिए कि हम नेशनल इंटीग्रेशन की बातें क्यों करते हैं या व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट टू अस। हम जो तृतीय विश्व के मतलब नागरिक है, जो थर्ड वर्ल्ड के सिटीजन्स है, इनके लिए स्पेशली नेशनल इंटीग्रेशन की महत्वपूर्णता बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारे जैसे इंडिया का केस ही आप देख लो, हम पे अंग्रेज ने बहुत सालों तक शासन किया है और फिर उन्हें से जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है, लास्ट सैटरडे हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए हैं, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे हर नागरिक के मन में एक ही सवाल था, ये था कि हम अपने राष्ट्र को कैसे निर्माण करें, एकता कैसे बरकरार रखें कि हम जो भारतीय हैं, हम जो इंडियन हैं, उसकी जो पहचान वो वर्ल्ड तक कैसे हमें पहुंचा दे। यही जो स्ट्रक्चर है, यही जो तरीका है जैसे हम अपनी ये राष्ट्र एकता, अपनी ये राष्ट्र पहचान दूसरे राज्यों के सामने ले आना चाहते हैं, इसी प्रोसेस का नाम है नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल एकता कायम करना। अब हमारे जो पहले सवाल है, ये जो हम लोग पहला सवाल करते हैं ये है कि हमारे लिए ये आइडेंटिटी बिल्ड करना इतनी जरूरी क्यों है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि उन देशों में, जिन देशों में हम देखते हैं कि हम बहुत हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, हमें बहुत सारे रिलीजियस, कल्चरल, एथनिक डिफरेंसेस है, हम सबको यूनाइटेड करने के लिए, हम सबको यूनाइट करने के लिए एक ऐसी चीज की आवश्यकता है जिससे हम एक साथ एक स्टेट, एक नेशन बन सके। ये जो आइडिया ऑफ नेशन है इसे बिल्ड करने का नाम ही है नेशनल इंटीग्रेशन। तो अगर मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, सवाल ये है कि नेशनल इंटीग्रेशन क्यों, क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है, why is it so important? हम लोग ऐसे ही आपस में नहीं रह सकते, हमें ये नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल आइडेंटिटी ये बिल्ड करने की इतनी जरूरत क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये। हम हर देशवासी को एक कॉमन आइडेंटिटी की जरूरत है। मैं बंगाल से, कोलकाता से अभी बात कर रही हूँ, मेरा आइडेंटिटी इस स्टेट में एज अ बंगाली है, पर अगर मैं देश के बाहर जाऊं, किसी ने मुझसे पूछा कि आप कौन हो, मैं उनसे गर्व से कह सकती हूँ आई एम एन इंडियन सिटीजन, मैं भारतीय हूँ। यही है नेशनल आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी का मेन लक्ष्य, कि हम सबको एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करना है जिससे सारे नागरिक, वो जिस रीजन से है, जो भी भाषा बोले, जहां भी है, वो एक आइडेंटिटी के छत्र छाया में आ सके। सेकेंडली क्या है, हमें अगर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, अगर हमें एक प्रॉस्परस नेशन बनाना है, तो हमें ये नेशनल इंटीग्रेशन, ये नेशनल आइडेंटिटी कायम करने की बहुत जरूरत है। हर स्टेट जो खुद को अमेरिका, अमेरिका क्यों है, क्योंकि सारे अमेरिकन, वो जिस स्टेट से हो, वो टेक्सास से हो, वॉशिंगटन से हो, उनका एक ही आइडेंटिटी है, वो अमेरिकन है। ये आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ नेशन एंड इट्स सिटीजंस। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जैसे देश के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये सोसाइटी है, ये बहुजातीय समाज है, हम हेट्रोजीनियस है, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, हमारे कल्चर अलग है, हमारे धर्म अलग है, हमारे बात करने के तरीके, सोशल कल्चरल इथोस बहुत एक दूसरे से अलग है। आप नॉर्थ इंडिया देखो, साउथ इंडिया देखो,
ईस्ट इंडिया देखो, वेस्ट इंडिया देखो, इतने डिफरेंसेस हैं। ऐसे स्टेट, ऐसे सिचुएशन में सबको इकट्ठे लाने के लिए, सबको एक साथ एक राष्ट्र के निर्माण करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें। जो प्रिंसिपल जैसे हम लोग बहुत सभी जानते होंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब हम लोग डाइवर्स हैं और उन डाइवर्सिटी को बरकरार रखते हुए हम यूनाइटेड होंगे अंडर वन कॉमन आइडेंटिटी। और इसमें जैसे हमारे संविधान, अगर आपने अपने हमारे संविधान की प्रस्तावना भी देखें तो उसमें पहला शब्द क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय नागरिक। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज ऑल्सो भारत, मतलब हम लोग उसे इंडिया भी बुला सकते हैं, भारत भी बुला सकते हैं। तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो आइडेंटिटी कायम करना जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ये है नेशन बिल्डिंग और नेशनल इंटीग्रेशन का प्राइम मोटो। ये भी हम कह सकते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो एक धागा है, एक थ्रेड है जो हम सबको आपस में बांध के रखता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि एक रस्सी है हम एक दूसरे को जकड़ के बांध रहे हैं, कहीं किसी को जाने नहीं देंगे। ये एक धागा है, पवित्र धागा है, जैसे रक्षाबंधन का धागा। हम भाईचारा बढ़ाने के लिए ये नेशनल इंटीग्रेशन का ये जो धागा है, एक दूसरे से हम आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर हम नेशनल इंटीग्रेशन की ही बात करें, हमें पहले जानना है कि इस राष्ट्रीय एकीकरण का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है। एक राज्य, एक स्टेट या एक नेशन ये नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ क्यों जाता है? तो एक कॉइन के दो साइड्स जैसे इसके भी दो साइड्स हैं। एक है जो बहुजातीय समाज है, जैसे हमारा समाज है, उस समाज में हमारे अंदर बहुत कारण अनुसार विवाद है। उस विवाद को पहले मिटाना, वी ट्राई टू एनकाउंटर द टेंडेंसीज दैट डिफरेंशिएट अस एंड ट्राई टू बिल्ड द आइडिया ऑफ अ नेशन। इसी के साथ जो दूसरा लक्ष्य है वो है टू प्रोमोट, टू बिल्ड द आइडिया ऑफ अ नेशन। अगर आप लोगों को लगा कि आप सुबह उठ के अचानक इंडियन बन गए, ऐसा तो होता नहीं है। ये जो आइडिया ऑफ अ नेशन, ये जो इंडिया, हम भारतवासी है, ये आइडिया सिर्फ इंडिपेंडेंस हो जाने पे ही बिल्ड नहीं हो गया। संविधान के थ्रू बिल्ड होने की कोशिश की गई है। हर दिन, हर क्षेत्र में, हर राजनीति में हमारे यही मकसद रहता है कि हम ये आइडिया ऑफ अ नेशन बिल्ड करें, प्रोमोट करें। ये आइडिया ऑफ अ नेशन क्या है? हमारे देश की ये जो आइडेंटिटी है, इस पे हम गर्व महसूस करेंगे, हम गर्व से कह सके कि हम इस देश के नागरिक हैं। वो आप इंडियन हो, वो आप अमेरिकन हो, वो आप फ्रेंच, फ्रांस के हो, आपके देश में जो गर्व होना चाहिए, जो आपके देश की जो आइडेंटिटी है, उस पे जो आपको गर्व बोध होता है, वो है आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। और ये हर राज्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटी राज्य या बहुत बड़ा राज्य। रशिया के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नेदरलैंड्स के लिए है। हम जब भी ये आइडिया प्रमोट कर लेते हैं, जब भी हम ये आइडिया हमारे सारे नागरिक के दिमाग में घुसा देते हैं कि वी आर प्राउड टू बी सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, तब हम सब एक लक्ष्य में काम करेंगे। जिन्हें देश का काम करना है, सबके लिए एक लक्ष्य होगा, वो क्या होगा? देश के हित के लिए काम करेंगे। अगर आपके पास वो आइडिया ही नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं बहुत ही रीजनल होके, मैं बहुत ही शोविनिस्टिक आइडियोलॉजी लेके बैठती, मैं तो कोलकाता से हूँ, मैं और किसी स्टेट को नहीं देखूंगी, तब मैं कभी जनहित का काम नहीं कर सकती। पर जब भी मेरे पास ये आइडिया है कि आई बिलोंग टू समथिंग ग्रेटर, आई बिलोंग टू अ नेशन दैट इज इंडिया, तब हम ये नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ हमारे स्टेट को आगे ले जा सकते हैं। कई कारण है, मेरा जो टॉपिक है चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस,
ये नेशनल इंटीग्रेशन में कई चैलेंजेस आती हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या है? अगर हम जैसे हम लोग सब इंडियन हैं और लास्ट वीक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, इसलिए इंडिया को मैं एग्जाम्पल प्राइम एग्जाम्पल रख रही हूँ, पर मैं दूसरे ग्लोबली भी बात करूंगी। ये जो कास्ट आइडेंटिटी, जाति, ये जो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इस इंडियन सोसाइटी में हर स्टेज में। ऐसा कोई स्टेज नहीं है जो कास्ट क्या है नहीं पता उन्हें, या ऐसे हम कोई नहीं है जिन्हें हमें ये नहीं पता कि कास्ट क्या है। हमारा जो सरनेम है उसी में से कास्ट आइडेंटिटी आ जाती है। अब ये जो चीज है, ये जो कास्ट वाली फैक्टर है, कभी जब आपके सामने ही अभी बिहार के इलेक्शंस आएंगे, थोड़ा न्यूज़पेपर देखिए, थोड़ा टीवी फॉलो कीजिए, देखिए ना ये कास्ट फैक्टर उभर आएगा। ये खराब है या ये अच्छी बात है, ये अलग बात है, पर ये जो आइडेंटिटी है, अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें, अगर मैंने ये कहा कि मैं रॉय हूँ, वेस्ट बंगाल में बस रॉय ही सबसे अच्छा कास्ट है, बाकी सब मेरे से नीचे है, तब प्रॉब्लम आ जाती है। जब कोई पॉलिटिकल एजेंडा के लिए हम कोई कास्ट को यूज करते हैं, वैसे कास्ट किस लिए बना गया? पहले हम लोग वर्ण सिस्टम थे, चार वर्ण में थे, अभी वो पढ़ के फिक्स हो गया है, ये हिस्ट्री की लेसन से ये हमें पता है। पर अगर हम लोग ये कास्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, एक कास्ट दूसरे कास्ट को दबा के रखने की कोशिश करते हैं, उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तब नेशनल इंटीग्रेशन को हानि पहुंचती है, तब हमें प्रॉब्लम होती है कि हम तो नेशनली इंटीग्रेट कैसे होंगे, हम लोग एकता कैसे बरकरार रखेंगे जब हम आपस में लड़ रहे हैं। पर ये भी मानना चाहिए कि कास्ट आइडेंटिटी जो है पॉलिटिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट है। जैसे हम लोग कास्ट के बेसिस में प्रेशर ग्रुप देखते हैं, उससे हम लोग नेगोशिएट करते हैं, बार्गेनिंग टूल के हिसाब से यूज करते हैं, तो कास्ट इन इटसेल्फ खराब चीज नहीं होती है, अच्छी भी नहीं होती है, पर कास्ट मतलब एकदम उसे देख के ही हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये कास्ट की बात कर रहे हैं तो ये बहुत खराब कर रहे हैं। आप किस मकसद से कास्ट की बात कर रहे हैं? अगर आप कास्ट आइडेंटिटी को अपने राष्ट्र निर्माण के भले के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, पर अगर आप कास्ट आइडेंटिटी को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, आप उस कास्ट आइडेंटिटी को ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आपको पॉलिटिकल गेन हो, वो जनहित में हो या ना, तब हमारे नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी में आ जाती है। अब जो हम बहुत बार ये देखते हैं, अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा, और आप लोग थोड़ा अगर मतलब पढ़े तो आप देख सकते हैं, बहुत जगह ऐसी हुई है कि कास्ट आइडेंटिटी जो है उसे पॉलिटिकल सपोर्ट मिली है। इस कास्ट के कैंडिडेट को हम इसलिए इस चुनाव में खड़े कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए कास्ट लाइन से जीता है। जब भी देश में ये होता है, और ये होता है, और हमारे देश में नहीं, हर देश में ऐसा एक मतलब आइडेंटिटी यूज होता है, तभी हम नेशनल इंटीग्रेशन को हानि पहुंचाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कास्ट जो है, ये हम लोग ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए भी बहुत बार गवर्नमेंट में जो टॉप हायर पोजीशंस है, एक बहुत जगह पे आप लोग पढ़े होंगे या अगर आप किताबें देखे उसमें है कि हायर पोजीशंस हायर कास्ट हो जाती है, और उसी वजह से ये जो मंडल कमीशन आया है, मंडल कमीशन आपने पढ़ा होगा, ये सब किस लिए है कि ये कास्ट आइडेंटिटी कैसे नेशनल इंटीग्रेशन को हानि पहुंचाता है और हम क्या करें कि हम इससे बाहर आ सके। अगर हम एक प्रेसिडेंट किया नारायण की एक कोट मैंने ली है, उनका अगर मैंने कोट पढ़ा, ये नीचे लिखा हुआ है, वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि इंडिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सब अलग अलग हैं, हमारी अलग अलग पहचान है, हम अलग रीजन से हैं, हम अलग लैंग्वेज से हैं, हम अलग धर्म से हैं, उसमें इंडिया को प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब हम ये जातवाद की बात करते हैं,
जब हम ये जाति की बातें इतनी स्ट्रॉन्गली आते हैं कि उससे हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हायर कास्ट लोअर कास्ट इसकी बात करते हैं, तब हमारी राष्ट्रीय एकीकरण पे आ जाती है। इंडिया में जब हम बात कर रहे हैं हम कास्ट की तरह बात कर रहे हैं, पर ये कास्ट जो है ये साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, कुछ कुछ कंट्री में, विदेश में क्या है, विदेश में इसके बदले रेस आता है। अगर आप टीवी देख रहे होगे, आप सब तो घर पे ही अभी बैठे हैं, अब कोरोना के लिए हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, अगर आप टीवी देखें तो अभी कोई अगर इंटरनेशनल न्यूज देखे तो एक चीज आपके नजर आए, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर, मतलब जो श्याम वर्ण है, जिनका रंग वाइट नहीं है, ब्लैक अमेरिकन्स या ब्लैक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो उनकी एक मूवमेंट है कि हमारे जो रंग है, हमारा जो स्किन कलर है, उस पे तो मेरा कुछ मतलब आई डोंट हैव एनी पावर ओवर दैट, आई एम वॉट आई एम, मैं जिस फैमिली में बॉर्न की हूँ, मेलेनिन के ऊपर भी मेरा कोई मतलब फोर्स नहीं है, पर अगर मैं ब्लैक हूँ तो ब्लैक की वजह से मेरे ऊपर डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जा रहा है। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है, जैसे इंडिया में कास्ट आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है जिससे हम नेशनल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, जैसे ग्लोबली अगर आप अमेरिका देखो या दूसरे विश्व देखो, उसमें रेस का एक प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम एक है जो हार्म करता है नेशनल इंटीग्रेशन को या चैलेंज करता है नेशनल इंटीग्रेशन। अब दूसरी जो बात है वो है रीजनल आइडेंटिटी। रीजनल आइडेंटिटी मतलब आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र की पहचान। रीजनल आइडेंटिटी जो होती है इंडिया में वो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत है उसकी। पहले इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947, तब ये रीजनलिज्म या रीजनल आइडेंटिटी इतना उसको लेके इतना चर्चा नहीं हुआ, क्योंकि सब इमीडिएटली इंडिपेंडेंट हुए थे, सब खुश थे कि हाँ मैंने अंग्रेजों को भगा दिया, हम इंडिपेंडेंट हो गए। पर उसके बाद धीरे धीरे हम ये देखना स्टार्ट किए कि हम इस रीजन से बिलोंग करते हैं और इस रीजन का जो आइडेंटिटी है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं तमिल हूँ, वो आइडेंटिटी हमें बहुत प्राइड देता है, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। रीजनल आइडेंटिटी में प्रॉब्लम नहीं, पर प्रॉब्लम तब हो रही है जब हम लोग रीजनल आइडेंटिटी के तरफ फेथफुल होना भी खराब बात नहीं है। हाँ, आई शुड बी अ प्राउड बंगाली, क्यों नहीं, मैं बंगाल से हूँ। प्रॉब्लम तब होती है जब मैं अपनी जो ये पर्सनल रीजनल आइडेंटिटी इसको नेशनल आइडेंटिटी से बढ़ के मानती हूँ। मैं सारे इंडियंस को अपना भाई बहन नहीं मानूंगी, मैं बस बंगाल को भाई बहन मानूंगी। जब भी ये बात आती है जिसके भी मन में, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो, तब हम नेशनल इंटीग्रेशन को हानि पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि द होल आइडिया ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इज टू बिल्ड अ कॉमन आइडेंटिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको हम लोग एकदम यूनिफॉर्म पहना दें, यूनिफॉर्म आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे, बट एक कॉमन आइडेंटिटी जो हम अलग है उसके बावजूद हम एक कॉमन आइडेंटिटी पे जा पा रहे हैं। और जब भी हम रीजनल आइडेंटिटी से प्राउड फील कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। रीजनल मूवमेंट्स है, हमारे स्टेट्स भी रीजनल बेसिस में डिवाइडेड हुए हैं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज जब हम ये बोलते हैं कि एज अ रीजन हम दूसरों से अच्छे हैं। ये जब हमारे अंदर भेदभाव आ जाती है तब हम नेशनल इंटीग्रेशन को हानि पहुंचा रहे हैं। एक चीज जो देखा जाता है, जो ज्योग्राफिकली लार्जर रीजन्स है उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जो छोटे रीजन्स है उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे छोटा एक रीजन आप ले लो, कोई छोटी कंट्री में इतना प्रॉब्लम रीजनल आइडेंटिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजनल आइडेंटिटी की प्रॉब्लम इंडिया में है, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, अमेरिका में है, आप कौन से रीजन में बिलोंग करते हैं, फ्रांस में इतना नहीं है, फ्रांस में नेशनल आइडेंटिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वहां पे सीरिया, इराक, यहाँ पे प्रॉब्लम है रीजनल आइडेंटिटी की। इराक में कुर्द
खोल के एक जाति है कुर्द, वो कुर्दिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो इराकी पॉपुलेशन है वो उन्हें दबाव में रखता है, उनकी जो अपनी पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, वो सामने लाने से इन लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए इन्होंने अपना अलग आइडेंटिटी मांगी है। अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में देखें तो वो गोरखालैंड का इशू है। अब अपनी, मैं पहले भी जो स्टार्टिंग में भी बोल रही थी, अब भी बोल रही हूँ कि रीजनल आइडेंटिटी इन इटसेल्फ इज नॉट अ फॉल्ट, बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी रीजन से, अपनी रीजनल आइडेंटिटी से बहुत प्राउड फील करते हैं। दूसरों को छोटा मत करना या दूसरों को ऐसे बात महसूस मत करवाना अपने दूसरे नागरिक भाई बहनों से कि आप हमसे कुछ हद तक कम हो। उसके साथ ही रिलेटेड है सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी क्या है? सामाजिक असामान्यता। मैं बंगाली हूं तो शायद हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आई होप आई एम क्लियर इनफ। अब ये सोशल इनइक्वालिटी क्या है? हम जब रीजनलिज्म की बात करते हैं, ये रीजनल सेंटिमेंट्स उभर के क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि सोशली इकोनॉमिकली हम लोग कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि हम लोग दूसरे रीजन के लोगों से इक्वल नहीं है। महाराष्ट्र का जो इनकम है वो वेस्ट बंगाल से बहुत ज्यादा है। हमें उनसे ईर्ष्या हो सकती है कि भाई आप तो इतना इनकम कर रहे हो और हमारी उतनी इनकम नहीं हो रही। जब ये चीज हमारे मन में आती है तब एज अ रीजन हम दूसरे से लड़ पड़ते हैं या दूसरे से हमारी जो भेदाभेद है ये हम प्रकट करने लग जाते हैं, हम सामने लाने लग जाते हैं। ये जो डिस्पेरिटी है सोशल इकोनॉमिक सिस्टम की एक नेशन के बीच, इस वजह से हम बहुत बार देखते हैं कि कोई रीजनल आइडेंटिटी स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि हमें अलग कर दो, हम अलग से रहना पसंद करेंगे। पर ये नहीं कि हम देश से निकल रहे हैं, हम अलग से अपना इकोनॉमिक सिस्टम, अलग पॉलिटिकल सिस्टम अपने वसूल से जिएंगे। ये जो सोशल इनइक्वालिटी रीजनलिज्म को हेल्प करता है इन क्रिएटिंग फिशर्स इन नेशनल इंटीग्रेशन। पर इंडिया में थैंकफुली हमारा ये नेशनल इंटीग्रेशन इतना ही स्ट्रांग है, स्टेट्स डिवाइड हुए हैं, पर ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इसे कोई हानि नहीं पहुंची। अब अगर हम बताएं कि पॉवर्टी, गरीबी, ये गरीबी एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे आपस में डिवाइड करती। मैं तो यहाँ बैठ के एक रूम पे आराम से बैठ के आपको सबको राष्ट्रीय एकीकरण की बातें बता रही हूँ, आप भी अपने घर में मोबाइल के सामने बैठ के या कंप्यूटर के सामने बैठ के बातें सुन रहे हैं। उस व्यक्ति की मतलब आप कल्पना कीजिए, जिसका कोई घर नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि आज रात को उसको खाना मिलेगा या नहीं, जिसको ये नहीं पता कि उसको काम मिलेगा या नहीं, वो गरीब है, वो पॉवर्टी लाइन पे है। उसको आप अगर राष्ट्रीय एकता की बात करें, आपको क्या लगता है कि वो राष्ट्रीय एकता के बारे में जानना चाहता है या उसके बारे में वो बात करना चाहता है? तो ये जो पॉवर्टी है, ये जो गरीबी है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो सोशल इनइक्वालिटी लाती है हमारे समाज में। और अगर लार्जर पिक्चर देखें, इसमें भी हम नेशनल इंटीग्रेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेशनल इंटीग्रेशन को इससे डिस्टर्बेंस होती है। सो रीजनलिज्म और सोशल इनइक्वालिटी, ये जो कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है, दो आपस में लिंक्ड है, एक के साथ दूसरे का बहुत गहरा लगाव है। एक और दो, हम सब जब भी कोई रीजनल इश्यू देखो उसमें आप देखोगे कि सोशल इनइक्वालिटी है। जब भी सोशल इनइक्वालिटी की बात आ रही है तब वो रीजनल इश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। एंड दिस इज अ रियलिटी जो हर स्टेट में, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबली जहां भी देखो, ये दिस इज अ फैक्ट। और एक जो डिवाइड है जो हमारे ये नेशनल इंटीग्रेशन को चैलेंज कर रहा है, वॉट इज दिस? लिंग्विस्टिक डिवाइड। लिंग्विस्टिक डिवाइड, लैंग्वेज, भाषा एक बहुत मधुर चीज है। हम आपसे, वेस्ट बंगाल, झारखंड से डिजिटल मीडियम में कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं।
हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं आप भी उस भाषा को समझ पा रहे हैं और इसमें हम दोनों एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं। पर यही भाषा हम एक दूसरे में दरार भी ला सकती। कैसे? अगर मैं बोलूं कि मेरी जो भाषा है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज, मेरा मदर टंग बंगाली है, फिर मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड बंगाली। मैं जहाँ पढ़ाती भी हूँ वहाँ भी मैं बंगाली में ही अपने स्टूडेंट्स से बात करती हूँ। तो अगर मैं ठान ले लूँ नहीं मैं हिंदी में बात नहीं करूँगी, वो तो मेरा भाषा नहीं है, तो क्या होगा? हम दोनों में दरार आएंगे, हम आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो लिंग्विस्टिक पॉलिसी है हमारे इंडिया में, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया स्पेसिफिक है, ग्लोबली लैंग्वेज के थ्रू भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं और कई नेशन इस्टेब्लिश भी हुए हैं थ्रू लैंग्वेज। जैसे जो जर्मन स्पीक करते हैं उनके लिए जर्मन, जो फ्रेंच बोलते हैं उनके लिए फ्रांस। अब जो थर्ड एग्जाम्पल मैंने दिया है तमिलनाडु फॉर तमिल्स, इसका मतलब ये क्या है? मैं तमिल में बात करूंगी तो तमिलनाडु अलग नेशन हो जाएगा? नहीं। हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया के जो जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, दे वर वेरी अवेयर कि ये भाषा बहुत सेंसिटिव इशू है और कैसे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इंडिया के लिए या कोई भी बड़े स्टेट के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे हम पे दूरियां आ जाएंगी, बिकॉज वी वोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। तो इंडिया में एक फ्री लैंग्वेज पॉलिसी है जो आप अलग से देख सकते हो। ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी बेसिकली इंग्लिश अपने जो स्टेट लैंग्वेज है एंड हिंदी और सम अदर लैंग्वेज, अगर आपका स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, ऐसे एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी अडॉप्ट किया गया है। फिर 1956 में इंडिया के कुछ स्टेट्स भी रिऑर्गेनाइज किए गए हैं लिंग्विस्टिक लाइन्स पे। तो लिंग्विस्टिक डिवाइड, ये जो भाषा की हमारे अलग अलग भाषा है, ये राष्ट्रीय इंटीग्रेशन, जो ये राष्ट्रीय एकीकरण में हानि ही पहुंचाए, दिस इज नॉट नेसेसरी। अगर हम ये सब भाषा एक करके हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, तब हम ये लिंग्विस्टिक डिवाइड, जो हमारे भाषा अलग अलग भाषा है, इससे ऊपर आके वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी कैन फील अ पार्ट ऑफ द कंट्री। सो ये नेशनल इंटीग्रेशन का ये जो मकसद है ये सक्सेसफुल हो जाता है। हम जिस भी भाषा में बात करें, एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड ईच अदर एंड एज लॉन्ग एज वी से कि नहीं, मेरा जो मदर टंग है दैट इज वेरी स्वीट, पर आपका मदर टंग भी उतना ही स्वीट है, आई रिस्पेक्ट योर मदर टंग एंड वी ट्राई टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तभी हम ये लिंग्विस्टिक डिवाइड क्रॉस ओवर करके नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ जा पाएंगे। अब आई है एक बहुत ही सेंसिटिव इशू, स्पेशली हमारे देश में और हर देश में, ऐसा नहीं है कि रिलीजियस आइडेंटिटी हमारे देश में ही एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी देश में, हम अभी देखेंगे कि बहुत सारी देश में ये एक ऐसी इशू है जिससे हमारे समाज में दरार पड़ती है। ये रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, रिलीजन, हम जब इंडिपेंडेंस हुआ है, हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ था, हमारा जो पार्टीशन वो एक रिलीजियस लाइन पे ही हुआ है, इस्लामिक पाकिस्तान एंड हिंदू मेजोरिटी इंडिया। सो दिस इज एन इशू दैट हैज बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। व्हेनेवर वी ट्राई टू बिल्ड अ नेशनल इंटीग्रेशन, अ नेशनल आइडेंटिटी, जब भी हमें एक राष्ट्रीय एकता की तरफ मतलब आगे बढ़ते हैं, तब ये चीज हमारे हर बात में आ जाती है कि हम एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट है। आप वो मतलब उसे आप किस तरीके से लेते हो, अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट इट इज अ प्रोमिनेंट फैक्टर ऑफ पॉलिटिक्स टुडे।
हम बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है देखते हैं वो रिलीजियस लाइन पे भी आ चुके हैं या रिलीजियस इशू चैंपियन करते हैं, रिलीजियस इश्यूज लेके बातें करते हैं। रिलीजन या अपना धर्म ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एक इंसान के लिए। मैं एक हिंदू हूँ, आई शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, वाई नॉट, इतना पुराना हेरिटेज है मेरा। पर अगर मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, आई शुड बी वेरी प्राउड ऑफ माई रिलीजियस आइडेंटिटी जस्ट एज आई शुड हैव बीन प्राउड ऑफ माई रीजनल आइडेंटिटी। बट द मूवमेंट एनी पोलिटिकल पार्टी और एनी पोलिटिकल एजेंडा कम्स अप विद द फैक्ट दैट हम इस धर्म के लोग श्रेष्ठ हैं, हमारे राष्ट्र एकता या राष्ट्र एकीकरण पे आ जाती है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये सारे जो अलग अलग आइडेंटिटीज है, हमारा जो ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, इन सबको ब्रिज करना है, इन्हें तोड़ना नहीं है। तो अगर हम धर्म का गलत उपयोग करें, अगर ये धर्म के इशू को हम लोग गलत उपयोग करें, तो हम देखेंगे कि हमारे राष्ट्र एकता पर आ जाती है या उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक चैलेंज होता है। हम कई बार देखते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स या माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये सब हमारे लिए बहुत ही फेमिलियर है, स्पेशली सिंस वी आर स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये सब में हम लोग रीजनल आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, ये सब सामने रखते हैं। हमारे सामान्य प्रॉफिट के लिए इमीडिएटली हम जीत जाएंगे, इसके लिए हम अपने देश में एक बहुत बड़ा दरार क्रिएट करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो फ्यूचर में कितना बड़ा रूप लेगा। सो दैट इज अ प्रॉब्लम विद एनी कंट्री, एनी नेशन दैट हैज अ रिलीजियस, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडेंटिटी एंड डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटी। अगर हम देखें, ऐसा भी नहीं है कि हर देश जिसमें ही रिलीजियस आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग है वो राष्ट्रीय एकीकरण से पीछे आ रहा है। समटाइम्स रिलीजन हेल्प्स यू टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे इसराइल। अगर आप वेस्ट एशिया में देखें, एक छोटी सी स्टेट है इसराइल, उसकी जो आइडेंटिटी है वो ज्यूइश है, यहूदी है। सारे यहूदी ने मिलके वो राष्ट्र का निर्माण किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिलीजियस डिवाइड है, जो हम अभी इससे पहले नेगेटिव फैक्टर्स बोल रहे थे, वो यही कितने पॉजिटिव तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। सो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम लोग रिलीजन को कैसे यूज करें, इसराइल हैज यूज्ड इट इन अ पॉजिटिव वे टू बिल्ड अ नेशन। सऊदी अरेबिया देख लो, सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक स्टेट है, ये हम सबको पता है सऊदी अरेबिया के बारे में। अब सऊदी अरेबिया की जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, ये सुन्नी इस्लाम मान, इसका मतलब क्या है, उसमें जो शिया है, उसमें जो सूफी इस्लाम के कुछ पॉपुलेशन है, उसमें जो एलेवाइट पॉपुलेशन है, सऊदी अरेबिया में ऐसा तो नहीं है बस सुन्नी इस्लाम के ही लोग हैं, पर जो दूसरे सेक्ट के लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर ये सुन्नी इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ लागू होता है, बिकॉज सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक स्टेट है। आप इसको जिस तरीके से देखना चाहते हो या आपके राष्ट्र के ऊपर जिस तरीके से इसका प्रभाव पड़ रहा है, आप उस बेसिस में इसको देखोगे। नेपाल, जो हमारा एकदम नेबर, एकदम पास में ही नेबर है, कुछ साल पहले भी हिंदू स्टेट था। सो इट्स नॉट नेसेसरी जो रिलीजियस आइडेंटिटी नेसेसरीली नेशनल इंटीग्रेशन को हार्म करे। आप किस तरीके से रिलीजियस, अगर आप रिलीजन को स्टेट बिल्डिंग में ही यूज करना चाहते हैं तो आपका स्टेट बन जाएगा, पर आपको यह हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी नेशनल आइडेंटिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी एक है। हमारे स्टेट में, जैसे एक सेकुलर स्टेट में, वहां पे हम क्या करते हैं, हम रिलीजियस, हम कैसे सेकुलर है, हम फ्रांस जैसे सेकुलर नहीं है, फ्रांस जैसे जो किसी धर्म को नहीं मानेंगे, हम उस बेसिस में सेकुलरिज्म की मांग करते हैं कि हर धर्म को हम एक तरीके से देखेंगे और राष्ट्र कोई एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं देगा। अगर ये हमारी आइडेंटिटी है तो हमें बहुत केयरफुली हर नागरिक को, हर पॉलिटिकल पार्टी को
बहुत केयरफुली आगे पढ़ना है कि हम उस रिलीजियस आइडेंटिटी को कैसे सामने ला रहे हैं, या हम कहीं दरार तो नहीं ला रहे अपने एक दूसरे के बीच. रिलीजन कैन यूनिफाई एंड कैन डिवाइड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके राष्ट्र निर्माण पे डिपेंड करता है कि आप रिलीजन को, धर्म को किस राह पे ले जाना चाहते हैं. अब क्वेश्चन ये है, ये तो मैंने कुछ जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है टू नेशनल इंटीग्रेशन, इनकी बातें की. अगर आप सब घर पे ही आप लोग बैठे हो, सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, गूगल स्कॉलर में अगर जाके आप नेशनल इंटीग्रेशन दो, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको. और उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं प्राइमरीली इंडिया की बात कर रही हूँ, पर इंडिया ही नहीं, हर स्टेट, हर नेशन को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ी और उन्हें ये चॉइस करना पड़ा. उनके जो संविधान रचना किए हैं, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन देश के, उन्हें बैठ के ये निर्णय करना पड़ा कि वो अपना राष्ट्रीय आइडेंटिटी क्या रखेंगे. वो डेमोक्रेसी होंगे, वो रिलीजियस स्टेट होंगे, वो रिपब्लिक होंगे, और इस हिसाब से नेशनल आइडेंटिटी आगे आता है. अब द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई लेक्चर इज कैन वी प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन. मेरा जो टॉपिक है, तो मेन टॉपिक है विच इज नेशनल इंटीग्रेशन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस मतलब मैंने उसका एकदम राह दे दिया कि ऐसे सुलझाया जा सकता है. मैं पहले एक चीज आप सबसे कह देना चाहती हूँ कि मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि नेशनल इंटीग्रेशन को, मतलब कैसे ये चैलेंजेस को ओवरकम करूं, उसकी सोल्यूशन में दे पाऊं, इतनी क्षमता नहीं है मुझे. मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरे विचार में किन किन चीजों पे अगर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, किन चीजों को अगर अहमियत दे, तो हम कैसे ये नेशनल इंटीग्रेशन जो है, हाउ कैन वी प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन. ये जो हम हर देश के नागरिक है, हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, इसके लिए मेरा कुछ बहुत ही मामूली छोटा सुझाव है जो सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि मैं सोल्यूशन देने वाली कौन हूँ, पर हाँ बस यही उम्मीद रख सकती हूँ कि मैं कभी उस प्रॉब्लम का एक अंग ना बनूं. हाँ, सोल्यूशन ना दे पाऊं, एटलीस्ट प्रॉब्लम क्रिएटर ना बनूं. अब व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, वेज टू प्रमोट और एनकरेज नेशनल इंटीग्रेशन. मेरे हिसाब से जो पहली चीज जो हमें इरेडिकेट करना है, मिटाना है, वो है ये कास्ट, ये जातिवाद. कास्ट या अगर ग्लोबली देखे रेस, मुझे नहीं पता कैसे मिटेगा. हाँ, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 17 देखो, तब से हम लोग बात कर रहे हैं कास्ट हटाने की. अब भी हमें पता है कि कास्ट एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर ऐसी जड़ के बैठ गई है कि हम उसे, मतलब इरेडिकेट कर नहीं सकते. पर हमें, हर नागरिक को ये कोशिश करनी पड़ेगी, स्पेशली हम जो एडुकेटेड पीपल है, कि हम कास्ट लाइन पे बात ना करें. अगर कोई जातिवाद की बात कर रहा है, कोई जाति में भेदाभेद कर रहा है, तो हम उसे रोके, हम उसे टोके कि आप जो ये कर रहे हो ये गलत है, राष्ट्रीय एकीकरण के ये खिलाफ है, आप ऐसे बातें मत करो. अगर कोई आके कास्ट बेसिस में आपसे वोट मांगे, एज एन एजुकेटेड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, आप उन्हें साफ कह दो कि नहीं, अगर आपको जीतना ही है तो इश्यूज पे जीतो. हम कैसे अच्छा, हमारा कैसे अच्छा हो वो सोचो, कास्ट डिविजन के लाइन पे आप खड़े मत रहना इलेक्शन में. अगर हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट रेस इससे इरेडिकेट कर पाए, तो एक तरीका है जैसे हम नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं. दूसरा क्या है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, हर कोई नहीं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल एजेंडा लेके आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये चुनाव जीतना है या उन्हें ये जो इशू है इसको जीतना है. वो हमारी धर्म को इस्तेमाल करते हैं, ये मैं बहुत केयरफुली ये वर्ड यूज कर रही हूँ, हमारे धर्म का दुरुपयोग करते हैं.
वो मिसयूज करते हैं दिस रिलीजियस टर्म को, जिसके कारण उनकी पॉलिटिकल कोई एडवांटेज मिली। इसको हमें स्टिग्मेटाइज करना है, इसको हमें धिक्कारना है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल एंटिटी या फिर हमारे ही घर में कोई बुजुर्ग धर्म के नाम पे दूसरे, अब धर्म के नाम पे प्राउड फील करे वो ठीक है, पर अगर धर्म के नाम पे दूसरे धर्म को ऊंच नीच सुनाए, तो हमारा ये एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कर्तव्य बनता है कि हम बोले कि देखिए आपको ये नहीं कहना चाहिए या ये मैं सपोर्ट नहीं करती। हाँ, जाके उन्हें उन्हें भी ऊंच नीच बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप कर उनकी मतलब यू शुड बी वेरी केयरफुल द वे यू स्पीक टू एल्डर्स हु आर स्पीकिंग ऑफ योर रिलीजियस इश्यूज, बट यू शुड बी अवेयर कि हम ये इशू में हम बात नहीं करेंगे या ये इशू में हम बहुत सतर्क रहेंगे, क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन पे बहुत भारी पड़ेगा अगर हम ये इशू को सपोर्ट करें। सो वी हैव टू स्टिग्मेटाइज रिलीजियस issues. एक और तरीका है कि हम अपने जो समाज है, अपना जो नेशन है, उसे और डेमोक्रेटिक बनाए और गणतांत्रिक बनाए। उसमें हमें क्या यूटिलाइजेशन होगा? एक डेमोक्रेटिक स्टेट में ये माना जाता है कि हम सब को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम अगर चाहे तो हम चुनाव में खड़े रह सकते, हम अगर चाहे तो हम अपने देश के किसी भी कोने में जाके बस्ती बना सकते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी है तो हमें अपनी बात बोलने की एक अधिकार है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो अगर हमें नेशनल इंटीग्रेशन को एनकरेज करना है तो हमें ये डेमोक्रेसी जो है उसे और वाइब्रेंट बनाना है, और ये इस वाइब्रेंट बनाने का छोटे छोटे जितनी भी मतलब कोशिश हम करें काफी है। एक छोटी सी कोशिश अगर हम कर पाए कि हमारे कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने की और डेमोक्रेटिक बनाने की, वी आर सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। और एक क्या चीज है, ये है इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी एक बहुत ही मतलब कैंसरस चीज है। गरीब, एक गरीब इंसान वो कैसे राष्ट्र निर्माण की बात करेगा? उसे तो ये नहीं पता कि वो रात को खाना मिलेगा या नहीं, उसे ये नहीं पता कि उसका घर कहाँ है, आज बारिश में वो रस्ते पे तो नहीं सोएगा। तो अगर हम ऐसे मेजर्स ले आए एज अ कंट्री, ऐसे पॉलिसीज ले आए कि हम ये पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सके, तब हम देखेंगे कि हम नेशनल इंटीग्रेशन या नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र निर्माण में हम समर्थक हो पा रहे हैं। और ये क्या है कि जो रिलीजियस और कम्युनल हारमोनी, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, हम एक दूसरे के साथ कोई आइडेंटिटी इशू लेके ना लड़े, कोई भाषा लेके ना लड़े, हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, और हमारे सोचने की मतलब विचार अगर अलग भी है पर हमें एक कॉमन आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी है, जैसे हमारे राष्ट्र निर्माण में हम उसे सक्सेसफुल बना सके। और एक जो फैक्टर है वो है एडुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। अब मैंने विमेन किया है मतलब ये नहीं कि मैंने मेन को एडुकेट होने से मना किया है, ऐसा नहीं है, मेन एडुकेट होते रहते हैं। हाँ, हमारे समाज में पुरुष हमेशा ही आगे बढ़ते रहते हैं, पर एडुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, अगर एक घर पे एक नारी शिक्षित हो तो वो घर शिक्षित हो जाता है। सो उसमें भी हमें पॉलिसीज जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी पॉलिसीज को और एनकरेज करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लीनिंग्स। तो फाइनली मेरा क्या कंक्लूजन है कि हम अगर एक वाइब्रेंट और कंडक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं तो हम सबको, सिटीजंस, पॉलिटिशियंस, एजुकेशनलिस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स, आप स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, सबको आगे बढ़ना है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। ये सिर्फ जो हम लोग एक बार वोट देते फिर 5 साल से आराम से बैठ जाएंगे वैसा नहीं है, हर दिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, ये मैंने थोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर से ही मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। आपकी स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि हमारा जातीय संगीत नेशनल एंथम है। हम नेशनल एंथम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की जो एक विजन थी
ग्लोबल सिटीजनशिप की, उनका अगर पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ो या उनका जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनलिज्म ये आप पढ़ो, तो उसमें आपको एक बहुत सुंदर सी एक चित्र सामने आती है। उन्होंने कल्पना की है कि सारे देश, देश के सारे नागरिक सब पहले अपने देश में सिटीजन्स एकता पाएंगे, राष्ट्रीय एकता, और फिर वो आगे बढ़ के ग्लोबल सिटीजन्स होंगे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है यूनाइटेड नेशंस, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसी चीज की बात की है कि हम यूनाइटेड नेशंस होंगे। हमारे जो ये बाउंड्रीज है, हमारे जो इस स्टेट की बाउंड्री है, उस रीजन की बाउंड्री है, ये सब तोड़ के अगर हम अपनी राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता की तरफ हम अगर आगे बढ़ सके, तो अल्टीमेटली हम ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी प्रेजेंटेशन बंद कर रही हूँ। मीना मैम, ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। Thank you very much, Sonia ma'am, for a very gripping and tightly knit presentation. It was really good to hear you. I would now request Dr. Meena Malkhandi to kindly take over, and after that, I will request our principal sir to kindly speak a few words. Over to you, Meena ma'am. Yes, thank you, Varsha. Sonia ma'am, thank you so much. Bahut acha raha aapka talk. कुछ बच्चे सवाल करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले सोनाली सिंह पूछ रही है कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ संक्षेप में क्या है। इतना एलाबरेट आपने बता दिया, लेकिन उनका पूछना है कि एकदम इन शॉर्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग। हाँ जी, नेशन बिल्डिंग जो है, नेशन बिल्डिंग का मतलब है राष्ट्र निर्माण। आप जिस, सोनाली, आप जिस राष्ट्र में बिलोंग करते हो, हाँ, वहां पे आपको ये जो, मतलब हम सब एक साथ मिलके जो एक राष्ट्र निर्माण की तरफ, एक राष्ट्र आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, इसे ही कहते हैं राष्ट्र निर्माण करना या राष्ट्र गठन करना। जब भी कोई देश, सब हमारे सिटीजन्स अलग अलग हैं, पर अगर हर देश के हर नागरिक को एक कॉमन आइडेंटिटी बनानी है, तब ये राष्ट्र निर्माण की जरूरत होती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया बैनर्जी पूछ रही है, व्हाट इज मीन्ट बाय साइकोलॉजिकल इंट्रीगेशन। साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जैसे आप जब आप स्टूडेंट्स हैं, आप जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है कि व्हाट इज इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया, आप इस नेशन में बिलोंग कर रहे हो। इंडिपेंडेंस डे में आप जो प्रोग्राम आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इस साल नहीं कर पाए, बट आप जब ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ये नेशनल आइडेंटिटी है, वो साइकोलॉजिकली, मानसिक तरीके से आपके, आपको सिखाया जा रहा है कि यू बिलोंग टू दिस नेशन। आप अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आप उससे और बड़ा, उससे और ओवरआर्किंग एक आइडेंटिटी है कि आप इंडियन हो, आप भारतीय हो, आप उस देश के नागरिक हो। ये आइडेंटिटी जो एस्टैब्लिश करना, ये आइडेंटिटी जो स्टेट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से एस्टैब्लिश करता है, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन। जी मैम, थैंक यू। स्नेहा कुमारी पूछ रही है, विविधता में एकता क्या है। विविधता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज बेसिकली कि हम लोग डाइवर्स है, हम सब एक दूसरे से अलग है। जैसे हाथ की पांच उंगलियां अलग होती है, हम सब एक दूसरे से अलग है, पर ये जो हम अलग है, ये जो हम डाइवर्स है, इसको हम अपने फ्रेगमेंटेशन का कारण ना बनाए, हम इसको यूनिटी की तरफ ले जाए। हम अपनी जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको साथ मिला के इकट्ठे एक आइडिया का, एक यूनिटी की तरफ बढ़ जाना। ये जो इंडिया है, ये हम सब, इंडिया में डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट कल्चर्स है, हम लोग सब डाइवर्स पॉपुलेशन है, पर फिर भी हम लोग अंडर द आइडिया ऑफ इंडिया यूनिफाइड हो रहे हैं।
दिस इज द फ्रेज ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. थैंक यू अपर्णा झा. ये लास्ट सवाल हम आपको पुट कर रहे हैं बच्चों के तरफ से. सवाल तो बहुत है लेकिन ये लास्ट कर रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन? कल्चरल इंटीग्रेशन तब होती है जब आप एज एन इंडिविजुअल अपनी कल्चर, यू सेलिब्रेट योर कल्चर बट यू ऑल्सो सेलिब्रेट द कल्चर ऑफ द अदर्स इन योर कंट्री. जैसे हम आज गणेश चतुर्थी है, सुबह हम गणेश चतुर्थी की पूजा किए हैं, कुछ दिन पहले हम ईद की मिठाई भी खाए हैं, फिर जब क्रिसमस आएगी, कोविड में हमारे घर पे, हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको बहुत टेंशन है कि इस बार सांता गिफ्ट दे पाएंगे या नहीं. हम जिस धर्म से है, हम जिस स्टेट से है, हम जिस नेशन से है, बस उस स्टेट उस नेशन की ही धर्म नहीं या उस नेशन का ही कल्चर नहीं, दूसरे कल्चर्स को भी अपनाना और हर कल्चर को इक्वली सेलिब्रेट करना, दैट इज कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री. थैंक यू मैम. अब मैं अपने महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर से अनुरोध करती हूँ कि डिपार्टमेंट में उनके मार्गदर्शन में आयोजित इन तीन ऑनलाइन व्याख्यान माला पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए अपने आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें ताकि इस तरह का आयोजन आगे भी हम लोग कर सके. सर हेलो गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. इट वाज अ वेरी डिलाइटफुल टॉक मैडम. Professor Sonia Roy deserves congratulations. Thank you, sir. For having delivered such a good lecture on national integration. मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे बच्चों ने भी सवाल किए. Although most of the questions were not up to the mark, but considering that they chose to question, shows that the lecture was quite lively, inspiring, and the students felt motivated to put questions to the speaker. National integration ke challenges bhi aapne acche se chune very carefully. You chose your subject matter very carefully. And aisa nahi hai ki aapne solution nahi bataya. Jo solution aapne bataya, most of the people will suggest the same solutions. There cannot be any 2 plus 2 is equal to 4 in political science or in on issues such as these. I congratulate Meena, the head of the Department of Political Science. She has successfully carried the program and got 3 lectures delivered, which she promised once, and all 3 lectures were quite relevant, and the scholars were very, very experienced, and they made excellent presentations. पहला लेक्चर जो 4 अगस्त को हुआ था, रूथ रेहा खान, she was also from Calcutta, a teacher in the Department of Political Science, St. Paul's College, Kolkata. She talked about national interest, prioritizing the national interest, and she chose the time Manmohan Singh's period as Prime Minister of the country. That was also a very delightful and power-packed lecture. बहुत ही अच्छा था. हमारे students जरूर उससे benefited हुए होंगे. The second talk was by our very own B.K. Sinha from St. Javier's College, Ranchi. He's head of the Department of Political Science, St. Javier's College at Ranchi. He talked on Machiavelli, a modern political thinker. As a student of literature, we have had plays in the 16th century written by Shakespeare and Jacobean playwrights,
who took a lot many things from Machiavelli and Seneca. So in that context, we have known about Machiavelli. But Professor Sinha's lecture as an expert on political science was very comprehensive and power-packed. बहुत ही अच्छा लेक्चर था. आज का लेक्चर भी उस कड़ी में सोनिया राय जी का बहुत अच्छा था. वे बधाई की पात्र हैं. एंड आई थैंक हर दैट शी अग्रीड टू टॉक टू आवर स्टूडेंट्स एंड टू अस. एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट मीना मालखंडी फॉर हैविंग कंडक्टेड द प्रोग्राम सक्सेसफुली. एंड आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू मेंशन अबाउट वर्षा हु हैज बीन द टेक्निकल सपोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ दीज सेशंस conducted by any of the departments in the college. Thank you, Varsha. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. अब हमारे डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर नीता ओझा मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स वो अपना दे और हम लोग इस प्रोग्राम को एंड तक जा सके. नमस्कार और गुड इवनिंग सबको. आज राजनीति विज्ञान विभाग ने ऑनलाइन व्याख्यान सीरीज में अपना तीसरा और अंतिम व्याख्यान का आयोजन किया जो काफी सफल रहा. और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे इस कार्यक्रम के जो प्रमुख वक्ता रहे प्रोफेसर सोनिया राय, उन्हें मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ. प्रोफेसर सोनिया राय, एक तो आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य और कीमती समय हमें दिया, दूसरा आज का जो ज्वलंत प्रश्न है राष्ट्रीय एकीकरण और भारत जैसे बहुलवादी देश या प्लुरलिस्टिक कंट्री जहाँ पे जाति, भाषा, धर्म, कल्चर की जो विभिन्नताएं हैं, उसे आपने बहुत अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या करते हुए ये बताया कि ये अपने आप में सारी बातें बहुत ही खूबसूरत है. इवन क्षेत्रवाद, इनमें अपनी अपनी खूबियां हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है, इनकी अपनी जगह है, और हम किस तरह इनकी खूबियों को बरकरार रखते हुए इन सारी विभिन्नताओं को लेकर अपने आप को एक बहुत ही सशक्त और संगठित राष्ट्र में बदल सकते हैं या उसको खड़ा कर सकते हैं. मेरे विचार में आज के युवा जनरेशन के लिए इन बातों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन ये जो विभिन्नताएं हैं, इन बातों की जो इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उसे वो नहीं समझ पाते हैं, इनकी क्या खूबियां हैं और हम कैसे इसका इस्तेमाल करें. और ये बच्चे जो हैं आवेश में आकर अक्सर इन खूबियों को, इनके इस खूबसूरती को बदसूरती में कन्वर्ट कर देते हैं. लेकिन ये कितनी खूबसूरत है और कैसे हम इसको बचा करके अपने आप को एक संगठित राष्ट्र में एकत्रित करके सशक्त राष्ट्र बना सकते हैं, इस बारे में आपने जो विचार दिए ये वाकई तारीफे काबिल है. और आज के युवा जनरेशन के लिए तो ये बहुत ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं. मैडम, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं और आपने जो सुझाव दिए हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं. और युवा जनरेशन अगर इन सुझावों पर अपने विचार बनाए, तय करे और कार्य करे तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा. मैं आपको फिर से दोबारा राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से, हमारे कॉलेज की ओर से बहुत ही धन्यवाद देती हूँ. हमारे प्रिंसिपल सर जो कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे बीच रहे और तीनों व्याख्यान किस किस विषय पे थे उस बारे में भी उन्होंने हमें जानकारी दी, ये साबित कर रहा है कि वाकई में हमारा यह व्याख्यान सीरीज कितना सफल रहा, क्योंकि बिना उनकी प्रेरणा के और उनके सहयोग के इतने सफल कार्यक्रम का आयोजन हम शायद नहीं कर पाते. सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बहुत आभारी हैं. अब मैं इस कार्यक्रम की सफल संचालिका और राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मीना मालखंडी को विशेष तौर पर धन्यवाद देती हूँ, जिसने वाकई में बहुत सफलतापूर्वक इन तीनों व्याख्यान का संचालन किया. मैं हमारे राजनीति कॉलेज के अन्य विभाग के अध्यक्ष जो कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ और अपने सारे अन्य सहयोगी प्रोफेसर को भी धन्यवाद देती हूँ जो कि इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं. मैं इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद देती हूँ जो कि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्हें, मुझे लगता है कि उन्हें इस कार्यक्रम से काफी अच्छी महत्वपूर्ण बातें सुनने को मिली होगी जो कि उनके करियर बिल्डिंग में एक
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज के इस दौर में ये जो ऑनलाइन व्याख्यान सीरीज हो रहा है, तो बिना टेक्निकल असिस्टेंट के, बिना टेक्निकल सहयोग के ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर वर्षा सिंह को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो हमें टेक्निकल कोऑपरेशन दिया है, उसकी वजह से हम सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का संचालन कर पाए हैं। एक बार सबको मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मीना। थैंक यू नीता मैम। ओवर टू वर्षा, कंक्लूड कर लो। Thank you everybody for joining us today. Thank you Professor Sonia Roy. It was a real pleasure to listen to you. Thank you Principal Sir for always being there for us, with us, inspiring us. Thank you Meena Ma'am for completing the series successfully. Congratulations to the Department of Political Science. And with this, we come to the end of the series conducted by the Department of Political Science. Thank you everybody for joining us. Take care. Have a great time ahead. खुजे नहीं कठिन ये कथा।